से हेलो। वेलकम बैक टू गाइस। अभी मैं चेकआउट कर रहा हूँ लुबडी से और फिर मैं जाऊँगा दूसरे होटल में। आई थिंक नया हॉस्टल ट्राई करूँगा और फिर आज एक सिटी टूर करूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ सिटी टूर में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल। वी हैव टू चेकआउट। Oh, just waiting for your friend, right? He's just okay. Hi. He's hi. You don't forgot review on TripAdvisor. Can I write my name for you? Yes. You can write your name and I will take a picture. Yes. बताना चाहूँगा कि what's your name? Mai. Mai actually helped me, give me upgrade for this hotel. She gave me a swimming pool view. मतलब swimming pool view मुझे room मिला और मैं आपको ये कहूँगा कि आप आओ तो लुबडी में रुको और बहुत ही बढ़िया hostel है यहाँ पर, आपको सब कुछ मिल जाएगा। swimming pool भी है, crowd भी बहुत बढ़िया है और full fun करोगे रात को, party मस्त होती है यहाँ पर, बता रहा हूँ मैं आपको। Okay. And the hour name. Hour name. Okay. And excuse me, may I have your Chanel? Chanel. Bye bye. What's your boy? Bye. जो होटल है वो होटल नहीं था, एक्चुअली में वो होटल था जिसको चेकआउट हमने कर दिया है, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे होटल की तरफ। ओके। तो बेसिकली हम अभी हायर कर रहे हैं एक स्कूटी जिसका प्राइस है कुछ 200 बात बोले तो आपको ऑलमोस्ट 410 के करीब पड़ जाएगा, ठीक है। और उसमें आपको एक स्कूटी मिल जाएगी। और पेट्रोल का क्या सिस्टम है? अच्छा, जितना पेट्रोल वो डाल के देंगे हमें उतना ही हमको उनको वापस करना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप 400 रुपये में पूरा सिटी का टूर ले सकते हो स्कूटी से, विच इज़ क्वाइट बेटर। जब स्कूटी ले रहे हो तो पहले उसकी एक वीडियो बना लो ताकि कोई भी उस पर स्क्रैचेस वगैरह ना हो, कहीं से टूटी ना हो, क्योंकि एट द एंड जब आप उसको हैंड ओवर करोगे तो आपके ऊपर ये कोई ब्लेम ना करे कि ये आपने तोड़ दिया, तो उसके पैसे ये आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट में से डिडक्ट कर लेंगे। सो बेटर ये है कि आप वीडियो बनाओ, फोटो लो और इनको भी दिखा दो अगर कोई प्रॉब्लम पहले से ही है तो। सो गाइस, अभी हम पूछ रखे हैं अपने होटल में दी अश्ली प्लाजा। अश्ली प्लाजा booking? No. No. How many room? One. Yeah, I check your room first nah. Yes. Available or not nah. Hotel तो बिल्कुल ही लग्जरी है, ठीक है। रूम एकदम स्पेशियस है, डिलक्स फील है इसमें पूरा पूरा, ठीक है। और दिस इज नॉर्मल टॉयलेट। हमने होटल के अंदर चेकआउट कर लिया है। ये हमारा फुकेट के अंदर दूसरा होटल है। इससे पहले जो मैंने आपको होटल दिखाया था वो था हॉस्टल। उसमें क्या था, उसमें अगर आपको बाहर नहीं जाना और अंदर ही सब कुछ मज़े करने हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप यहाँ पे फ़न करने के लिए आ रहे हो विद फ्रेंड्स, अगर आप सोलो आ रहे हो तो सोलो के लिए वो सबसे बढ़िया है, मैं आपको ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा। और ये थोड़ा बांग्ला रोड से दूर है, मतलब 1.5-2 किलोमीटर दूर है, बट बीच के पास में ही है, कुछ 500 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप बांग्ला रोड से 1.5-2 किलोमीटर दूर ले लो, बेस्ट है, प्राइस भी बेस्ट है। ये मैंने बुक किया है 1214 रुपये में समथिंग में, ठीक है। और रूम बढ़िया है, होटल बढ़िया है, खाना आपको खाना है आप बाहर से या तो एक रेंट कर लो स्कूटी या फिर कर लो एक टैक्सी। टैक्सी आपको महंगी पड़ेगी, तो मैं आपको एक ही रेकमेंड करूँगा, आप स्कूटी हायर कर लो
कैब यहाँ पे वो भी मिलती है, गाड़ी भी हायर हो जाती है, बट उसका चार्जेस मुझे आपको पता नहीं है। स्कूटी आपकी हो जाएगी 200 बाद में, और उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट होंगे 3000, अदरवाइज आपको पासपोर्ट रखेंगे वहाँ पे। पर अगर ज़्यादा दिन के लिए ले रहे हैं तो 150 रुपये बात है। तो बेस्ट यही है, आप स्कूटी पे घूमो यहाँ पे बाहर लो अपने बांग्ला रोड से दूर, क्योंकि बांग्ला रोड में एक्चुअल में ऐसा है वहाँ फैमिली के लिए इतना कुछ बढ़िया नहीं है, मैं रियलिटी बता दूँ आपको, ठीक है। तो अगर आप फैमिली के हिसाब से सोच रहे हो तो बांग्ला रोड से 1.5-2 किलोमीटर दूर लो, अपना बीच घूमो, मज़े करो और वापस अपने होटल में आ जाओ, सबसे बेस्ट है। और सोलो ट्रैवलर के लिए तो मुझे एक ही रेकमेंड करूँगा, आप बांग्ला रोड के पास जाओ, लुपडी में जाओ, बेस्ट होटल है, नियर है, और आप सीरियसली कह रहा हूँ मज़ा करोगे। क्या तो भैया आप थाईलैंड में आओगे ना तो आप देखो वेट कितना होगा, टीन टू चेक करो, मैं थाईलैंड में आया हूँ और देखो जरा मेरा वेट कितना होगा। गरीब हूँ मैं, कोई नहीं मेरा गरीब आदमियों के लिए साले वैसे मौसम बहुत बढ़िया है थाईलैंड का इस टाइम, ठीक है। अगर आप निकल रहे हो बाहर, धूप भी नहीं है और इजीली आप सिटी का टूर ले सकते हो। लिए हम आ गए हैं लोकल स्ट्रीट फूड खाने के लिए, मेरे को एक्चुअल में खाना यार राइस विद बॉइल्ड एग और समथिंग हाफ फ्राई एग के साथ मिल जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। देखो एक तो मुझे यहाँ पे ना खाने का नाम बिल्कुल नहीं पता कि कौन सा खाना है, खाना ये है उसके पास, ठीक है। वो जो बंद होता है अंदर तो खुलता है। अच्छा अच्छा वो दोस्तों सबसे फिलहाल हमारी सीख भी आ चुकी है और अक्सर भी आ चुका है, ठीक है। और ये चटनी है एक टीकी और एक दूसरे कम देखिए, ठीक है। क्रैब स्टिक चिकन रोल सिम फिर चिकन फ्रेंच फ्राइज और ब्रेड है 50 बात की 160 बात का ये और ये सौ की फिश है। तुम जान चुप को ना चुप अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर बजट में करना चाहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप लोकल जाके खाओ, ठीक पड़ेगा इसे। और जितना आप होटल या रेस्टोरेंट से खाओगे आपको महंगा पड़ेगा। ये है डक, बेक डक है। ये था कुछ मिनी टूर लोकल मार्केट का, ठीक है। और आप गुड हाउ आर यू, तो यहाँ पे कुछ भोले भाले लोग हैं बेचारे, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, प्यार से बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें रूडली बिहेवियर होगा इनका, नहीं, बहुत फ्रेंडली नेचर है। गाइस मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप थाईलैंड आओ, बुकेट आओ, ये कॉकटेल जरूर ट्राई करना है यहाँ पे, ऑरेंज जूस पाइन एप्पल सारे एक नंबर के बना रखे हैं। चल
sight, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. दोस्तों फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ये कार्निवल मैजिक द मैजिकल किंगडम ऑफ फ्लाइट्स ओके, और यहाँ अभी खाली पड़ा हुआ है और हम फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं ठीक है। हम ऐसे ही एक स्कूटी लेके निकल गए थे, देख रहे थे कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे और आगे क्या है क्या नहीं है, जस्ट लाइक हमारे लोकल में होता है कि देखते चल वहाँ पर क्या है यार, चल देख कर आते हैं। तो ऐसा ही था यहाँ पर भी कुछ कि हम निकल पड़े स्कूटी उठाई और फिर हमें ये बीच में दिखा तो हम यहाँ रुके और फोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारे जैसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, जैसे पेट्रोल भरते हैं और हम करते हैं ऐसे इसमें बटन नहीं दबाना पड़ता, ये निकलना शुरू होता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको पहले पैसे डालोगे आप इसमें ठीक है, जितने का आपको पेट्रोल डालना है, उसके बाद जैसे ही आप वो स्टार्ट बटन दबाओगे यहाँ पर, जैसे आप दिखा देते हैं यहाँ पर स्टार्ट बटन का ऑप्शन दे रखा है, जैसे आप उसको दबाओगे पेट्रोल लिटरली निकलना स्टार्ट हो जाएगा बाहर। तो आप पहले पाइप को अपनी स्कूटी में डाल दो, उसके बाद वहाँ से उसको दबाओ ठीक है। सो आज तो उधर भागा है।
बुलाती है मगर जाने का नहीं। कुछ लोग जो पेटोंग में आके टिंडर यूज़ करते हैं तो मैं उनको बता दूं कि ऑलमोस्ट 50-60% जो वहाँ पे टिंडर पे अवेलेबल होती हैं लड़कियाँ वो प्रोस्टिट्यूट होती है, जिसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इनके झांसे में मत आना। ओके okay?